चलते हैं माइक नंबर एक पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम टोपूपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूं। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते। आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है तो बोई में लिखा, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना, मिसाल देता हूं मैं। लूत अलैहि सलाम, लूत अलैहि सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहि सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहि सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुना लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है, लूत अलैहि सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझ गया ना? तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहि सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहि सलाम, ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी, तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में मैं, राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां जो भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है, अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है यानी पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है, आप समझे ना। तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूं, आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो लिखा तो नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर, मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर, या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात, आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है। तो सवाल उठता ही नहीं, इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है, आप समझे ना।
मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूँ, पुराण में नहीं लिखे क्या जो चीज यक्षा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ, कुरान में लिखे जो यक्षा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? पहले आर थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूँ मैं? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में, जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8000 श्लोक थे, उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने, बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने कहने से हो गया 24000 श्लोक। अभी 8000 से 24000, 16000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर एक ग्लास पानी है, साफ पानी है, एक कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, एक बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पियेंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना, इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का, तो ये विलियम मोर ने जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई, उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है, तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह और छोटा एक क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है। पूछे पूछे। कल लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा। बोलिए, पूछे। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं, जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ, ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। ये मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना, कुरान में भी नहीं लिखे लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखी है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते बिल्कुल सही है, मैं कहां कहता हूं गलत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ, दो भाई साथ में, माशाल्लाह, दो सवाल दो भाई। अच्छा माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपू पाल। टोपू पाल, माशाल्लाह, दो पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है?
अब मानते आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती? नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए, अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह واشهد واشهد ان ان محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے، آپ کو سب سے بہترین زندگی دے دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے، اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کے دل کے تالے کھولے انشاءاللہ۔ سر ایک بار گلے لگنا چاہتا ہوں اور ایک قرآن مجھے دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، آ سکتے ہیں اوپر۔ اگر یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن بنا دیں۔ Thank you.